वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मेरा आज का ब्लॉग होगा व्हाट्स इन माई बैग। तो यार गाइस, मेरा बैग पे क्या है मैं आज आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत ही ऑनेस्ट होगा क्योंकि आखिर लड़की का बैग है तो कुछ भी हो सकता है। ऊपर से मैं बहुत ही ब्लॉगर हूँ तो हर चीज़ को इसलिए मैं घुसा बैग के अंदर ही रखती हूँ ताकि कुछ भी कहीं में भी जरूरी पड़ सकता है इसलिए। तो और मेरा वार्निंग जो भी बोलती हूँ वो बात क्या वाला, थोड़ा भी टू निवर इधर उधर हो सकता है तो सॉरी। मैं स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग को। तो यह तो एक्चुअली ये भी बैग मेरा दोस्त ने दिया है गिफ्ट, मेरा बर्थडे पे दिया वाला है। तो बहुत ही प्यारा क्यूट है, या मैं रिबन बंधा हुआ है रिबन क्यूट से ब्राउन कुछ प्रिंटेड का है। वो तो क्यूट है, वो छोटा सा है लेकिन मेरा बहुत कुछ सामान घुस गया है यहाँ पे। तो ये स्टार्ट करती हूँ क्या क्या मैं लेके घूमती हूँ। तो सबसे पहले तो क्लच क्लिप, हम बोलते हैं वही क्लच है। तो ये मैं हमेशा कभी भी नहीं छोड़ते, एक्स्ट्रा जैसे क्या है एक्स्ट्रा मेरा बाल पे लगा के है, फिर भी मैं एक्स्ट्रा भुगती ही हूँ। तो ये एक तरफ से मेरा दोस्त लोग को भी काम आ जाता है, जैसे कि दोस्त लोग अगर कहीं मैं साथ में मिलता है तो बाल खुल के आ जाते हैं, तो कुछ काम कर रहे हैं कुछ खा रहा है तो डिस्टर्ब होता है। तो उन लोग को पता है कि मैं हमेशा एक्स्ट्रा भूख के घूमती है तो वो मुझे मांगता है, मतलब क्लिप है क्लच है क्या मुझे देना, तो मैं दे देती हूँ। कभी कभी तो वापस नहीं देते, चले ले जाते हैं फिर कभी कभी तो वापस दे देते हैं। तो मैं ये दोस्त लोग को भी काम आ जाए, दूसरों को भी काम आ जाता है, मेरा खुद का भी काम आ जाता है, हेल्पफुल भी हो जाता है। तो अभी खोल के देखती हूँ, चेन छोटा सा है एंड सबसे पहले तो पर्स, मिनी पर्स। ये यहाँ पे फॉरएवर यंग लिखा है, ये पहले बहुत पुराना हो गया है, ये कहीं दुकान से लिया था, तिब्बतन दुकान से, मैं कोई ब्रांडेड पकड़ती नहीं हूँ। पर्स के अंदर पे है एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और थोड़ा बहुत पैसा। तो नेक्स्ट है हैंड लोशन है, ये देख सकते हैं, ये नारियल का है, कोकोनट का है, तो मॉइस्चर थोड़ा ड्राई हो जाता है तो मैं ला कर लेती हूँ। तो इसे मैं इतनी यूज़ नहीं करती कभी कभी क्योंकि मुझे क्रीम सीम इतना मैं यूज़ नहीं करती, फिर भी जबकि ये बाहर निकलती है तभी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं भुगतना पड़ता है फिर भी मैं इसे, क्योंकि दूसरों को भी यूज़ आ जाता है तो इसलिए। तो ये लोशन, उसके बाद नेक्स्ट है सनस्क्रीन रोलर। तो ये है रोलर 50 प्लस का, ये रोल है रोलर है जो सभी लोग जानते हैं ना, ये सब सनस्क्रीन। तो ये मैं बिकती हूँ, तो ये भी बहुत काम आते हैं जब कभी के बाहर जाते हैं तो मतलब क्या बोलते हैं कि 5 hours 2-3 hours कितना कितना hours का बाद सनस्क्रीन यूज़ करने बोलते हैं, तो इसलिए ये आसान है रोल तो मैं बिकती हूँ उसे, हम इसे यूज़ नहीं कभी कभी। नेक्स्ट है लिपस्टिक एंड लिप ग्लॉस। ये दो को इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये ओरिफ्लेम का है एंड मेरा फेवरेट है पिंक कलर, पिंक कलर मैं यूजली यूज़ करती हूँ पिंक कलर को। एंड ये लड़के लोग का बेस्ट फ्रेंड लिप ग्लॉस एंड ये दोनों, बिना इसका तो कोई भी नहीं घूमते किसी का, हर किसी का बैग में ये होगा ये दोनों। तो गाइस मैं इसलिए दोनों को लेके घूमती क्योंकि ये थोड़ा सा मैथ टाइप का है, अगर मैं कहीं बाहर खाने के लिए चले जाती हूँ तो कहीं कैफे रेस्टोरेंट ये सब में, तो खाने का बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाता है लिपस्टिक, तो अगर मैं टिशू ये सब यूज़ नहीं करेंगे नहीं लिया भूल गया है तो मैं फटाफट ये लिप ग्लॉस ऑयली है तो ये कलर भी निकलता है तो मैं ऊपर पे ऐसे लगा लेती हूँ तो हो जाता है मेरा काम। तो ये रही, एंड नेक्स्ट है परफ्यूम। ये बहुत ही क्यूट परफ्यूम है जो बैग में के आराम से घूम सकते हैं, बहुत ही हल्का है तो मैं ये भी भूखे घूमती हूँ कि कभी कभी यूज आ जाता है इसलिए। एंड नेक्स्ट है ये, सो क्या बोलता था भूल गया, एयरबैन। तो ये भी मैं भूखे घूमती हूँ क्योंकि लड़की है तो कभी भी जरूरी पड़ सकते हैं एंड इसलिए। तो ये बहुत ही कलर सुंदर है, वाइट एंड ब्लू कलर प्रिंटेड करके गाइस। तो या एंड नेक्स्ट है, तो ये क्या
नेल कटर, नेल कटर भी मैं बुके क्योंकि मेरा नेल बहुत ही मतलब नरम है, मतलब हर बार टूटते रहते हैं, मतलब ये हार्ड नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं नेल कटर हर वक्त मैं बुके बोलती हूँ, देख सकते हैं। और नेक्स्ट है गाइस घड़ी, हाथ का घड़ी है तो हैंड, तो ये भी मैं कभी कभी पहन लेती हूँ, कभी जैसे भी बुके बोलती हूँ। नेक्स्ट है, ओ माय गॉड क्या हो गया मेरा, ये टिश्यू है खत्म हो गया, इतना यूज़ नहीं आता इसलिए देखो ऐसे हो गया बस, टिश्यू छोटा सा टिश्यू जो बहुत दिन यूज़ करे, इतना यूज़ नहीं करे इसलिए प्लास्टिक भी खराब हो गया कवर, ये टिश्यू। नेक्स्ट है और गाइस सेंट्रल फ्रूट और च्युइंगम, ये मैं कहीं जाती हूँ तो चेंज नहीं होता है तो मैं ये सब ले लेती हूँ, चेंज में मैं सेंट्रल फ्रूट च्युइंगम ये सब ले लेती हूँ माउथ फ्रेश के लिए, तो ये च्युइंगम सेंट्रल फ्रूट। एंड उसके बाद घर का चाबी भूल जाती हूँ इसलिए कहीं जहाँ मैं रख देती हूँ, तो एक्स्ट्रा घर का रूम का चाबी है। नेक्स्ट है काजल, पेंसिल काजल क्योंकि मेरा आईब्रो यहाँ क्या बोलते हैं उसको इतना है नहीं, थोड़ा हल्का है तो इसलिए मैं कभी इधर उधर जब होता है तो हाथ जाते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब केयर नहीं करती हूँ, तो इधर उधर ये जब कभी कुछ हो जाते हैं तो हाथ जाता है, तो मैं मिलाने के लिए ये लेके घूमना पड़ता है तो मिलाने के लिए एक ब्रश है और ये एक पेंसिल काजल है। और नेक्स्ट है पेंटी लाइनर, तो शर्म का कोई बात नहीं है, ये बहुत ही लड़के लोग के लिए नीडेड वाला चीज़ है, जैसे कि अभी आप कहीं बाहर जाएगा तो बाथरूम हाइजीन नहीं होता है तो ये पहनना बहुत ज़रूरी होता है, पानी सानी कुछ यूज़ करने के लिए नहीं होता है तो ना टिशू ये सब नहीं होता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं हर वक्त इसे ले कर घूमती हूँ चेंज के लिए, एंड दोस्त लोग को भी काम आ जाता है तो मैं एक्स्ट्रा हमेशा ले कर घूमती हूँ। तो कॉम मिनी कॉम कंगी, ये एक्चुअली जब कहीं मैं रेसो के बाहर घूमने गया था तो तब लिया था, एक्चुअली बाथरूम में यूज़ करने के लिए देता है तो उसे एक बार यूज़ हो जाता है तो लोग फेंक देता है, तो इससे अच्छा फेंकने से अच्छा मैं यूज़ कर रही हूँ उसे, तो ये इतना छोटा है कंगी भी छोटा है तो ये आ जाता है तो मेरा ये बहुत ही काम आता है। तो यार गाइस लास्टली पेन, दो पेन लिखना बहुत जरूरी है, कभी कभी बहुत यूज आते हैं, कहीं कहीं में लिखना होता है कुछ भी होता है, किसी को भी कोई कोई बुके भी नहीं घूमता है तो मैं दे सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ इससे, तो यार गाइस ऊपर से मैं जॉब करती हूँ तो मैं और भी बुके घूमती हूँ, तो या पेन। तो गाइस इतना ही है मेरा आज का वॉट्स इन माय बैग, तो आप लोगों ने देखा होगा तो कमेंट में बताना आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा, कैसा है और कौन सा बहुत फनी लगा, और आप लोगों को लग रहा होगा मैं पूरा ऐसे लग रहा है कि मैं घर रूम का ड्रेसिंग का सामान जितना भी मेकअप सामान को लेकर घूम रहा हूँ तो सब मेरा ज़रूरी सामान है क्योंकि मैं लगकर इंसान हूँ तो लेके घूमते हुए मैं मेरा टीनेज समय से मेरा ये शौकीन है, मैं ये सब बुके घूमती हूँ, तो मेरा दोस्त लोग भी कभी जरूरी पड़ता है तो मुझे होप करता है कि ए इसका है नहीं का पास तो है इसे मांग लो, इसका पास होता होगा सब कुछ बुके घूमते हो तो वही मैं काम भी आ जाती हूँ दूसरा के लिए, तो या यही है। तो या गाइस इतना है मेरा आज का ब्लॉग, अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।